दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज के मौलाना साद का एक नया ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में मौलाना ये कह रहा है कि सरकार का साथ दे और घरों में रहे, डॉक्टर के निर्देश पर आइसोलेशन में हूँ। मौलाना साद की तलाश में पुलिस देश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इससे पहले एक और ऑडियो सामने आया था जिसमें साद ने लोगों से मस्जिद में रहने की अपील की थी। तो कैसे सुर बदल गए हैं जब पुलिस ने तलाशी शुरू की और आपराधिक केस दर्ज करने की बात कही, तो देखिए कैसे मौलाना के सुर में ये बदलाव आया। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने, दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी जरूर करें कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होनी चाहिए। आदमी ये कहे कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए और मस्जिदों को ताले लगा देने चाहिए कि ऐसी बीमारी बढ़ेगी, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। हाँ, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह हैं, लेकिन इस ख्याल से मस्जिदों को छोड़ देना कि इससे अजाब बढ़ेगा, ये अल्लाह ताला के दस्तूर, खुलफा राशिदीन के मामूल और सहाबा किराम के तरीक़े और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है।